वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम का नाम ही ऐसा दिया हुआ है, एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी एक चीज का एक्सपर्ट है। मान लीजिए मैं एक एक्सपर्ट हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले तो अपने अंदर क्या क्या डालना पड़ा होगा, अपने अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज डालनी पड़ी होगी, उसके रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन आते होंगे वो डालना पड़ा होगा। उसके बाद कई सारे बच्चों को पढ़ा पढ़ा के मुझे इतना नॉलेज हो गया होगा कि किस किस तरह से पेपर आ सकता है, क्या क्या इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं और किस किस तरह से। आप देखेंगे जरा मेरे पूरे वीडियोस को, तो मैंने एग्जांपल जो है वो वैसे तो रिचन नाइट के एग्जांपल कवर कर रहे हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जो रिचन नाइट में नहीं भी थे और मैंने उसको भी कवर करा। विच मीन्स के अब आपको अगर रिचन नाइट सॉल्व करनी है, कुछ भी समझना है, तो आप उसमें टॉपिक देखिए, सिलेबस में देखिए मिल रहा है कि नहीं, और मेरे वीडियो पर जाइए और सर्च करिए तो आपको मिल जाएगा, वो टॉपिक समझ में भी आ जाएगा। बट एक्सपर्ट का मतलब क्या है? एक्सपर्ट का मतलब ये है कि वो जो इतनी मुश्किल किताब है उसको बच्चे के दिमाग में डालनी है, और वो मैं ही कर सकता हूँ क्योंकि मैंने उस किताब को अच्छे से पढ़ रखा है और मुझे मालूम है कि कौन सी लैंग्वेज में आपको समझ में आने वाला है। जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा उससे हम काम करें। आप जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एक्सपर्ट सिस्टम का डॉक्टर। भाई डॉक्टर डॉक्टर ही होता है, ठीक है ना। डॉक्टर के पास आप जैसे जाते हो तो डॉक्टर आपको बुलाता है, बिठाता है, आपको सबसे पहले तो बहुत अच्छे से आपसे बात करता है, आपको बहुत अच्छे से पूछता है कि भाई तुम्हारी क्या हालचाल है या कैसी तबीयत है। फिर जो भी पेशेंट होता है वो अपनी बीमारी बताता है कि सर मुझे ऐसा है ना वैसा, जो भी उसको तकलीफ होती है वो तकलीफ बताता है। जिस टाइम पे वो अपनी तकलीफ बता रहा होता है, डॉक्टर साहब इतने में है ना हाथ पकड़ के घड़ी देखने लगते हैं, या फिर वो स्टेथोस्कोप लगा के सांस लो, जबान निकालो, टॉर्च डालने लगते हैं जबान में, ये कर रहे हैं। तो आपसे बात भी कर रहे होते हैं, बड़े एक्सपर्ट होते हैं ना, उन्हें मालूम होता है कि हाउ टू हैंडल देयर पेशेंट्स। पेशेंट का आधी बीमारी बातों से ही दूर हो जाएगी, बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं। और जितने बड़े डॉक्टर्स हैं वो तो बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं, और कुछ हद तक पेशेंट्स का जो फोबिया होता है उसको वो खत्म करने की कोशिश करते हैं। भाई उनके MBBS MD में सिखाया जाता है कि आपको कैसे हाउ टू हैंडल योर पेशेंट्स, ठीक है। बट उनके साथ साथ ये भी सिखाया जाता है कि वो जो पेशेंट जब बातें कर रहा है ना और अपनी बीमारी बता रहा है कि मुझे ये हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा फीलिंग आ रही, उनका एक्सपर्ट सिस्टम चालू रहता है और वो क्या करने लगते हैं, डेटा को लेना चालू कर देते हैं, ग्रैब करना चालू कर देते हैं, डेटा आना चालू हो जाता है। और साथ ही साथ जिस मोमेंट पे वो स्टेथोस्कोप या हाथ से पल्सेस चेक कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे उन्हें वैलिडेशन भी मिल जाता है कि ये जो बंदा है ये झूठ मूठ तो नहीं बता रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको बीमारी बीमारी कुछ है ही नहीं और ये फालतू आ गया टाइम पास करने, अपना भी हमारा भी। सरकारी अस्पताल के अंदर जहाँ पैसे नहीं रखते, बाकी जगह पैसे तो कोई जाएगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो डॉक्टर होता है उसका जब तक वो बात कर रहा है नेचुरल लैंग्वेज में बात कर रहा है, उसके मेडिकल साइंस पीछे चल रही है। और जो भी आपने उसको बीमारी बताई है, और बीमारी ऐसे नहीं है कि आपने एक चीज बता दी तो उसका, भाई देखो सीधी सी बात है, अगर आपने ए नाम का कोई उसको मर्ज बताया तो उसका जो बीमार जो दवा होगी उसकी 1 होगी, है ना। अगर आपने मान लो बी नाम को बताया तो उसकी 2 होगी, ऐसा मान के चलता हूँ मैं, सी नाम की दवा, ये मेडिसिन है, ठीक है। अब आपकी जो हालत बताई अपनी, उसके अंदर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी लग रहा है, और कभी कभी इन तीनों का भी लग रहा है। अब वो क्या करे, 1, 2, 3 को मिला दे? नहीं, वो क्या करेगा, मार्केट में फिलहाल ऐसी कोई सी टैबलेट आपको लिख के देगा जिसमें इन तीनों चीजों का मिक्सचर आता है। आजकल लोग ज्यादा डॉक्टर्स में पसंद नहीं करते जाना फीस की वजह से, वो मेडिकल स्टोर से छोटे मोटे इलाज कर लेते हैं, हल्की सी जैसे खांसी वाशी खराश वराश आई तो मेडिकल स्टोर को 2 मिनट के लिए पूछा कि भाई कोई दवा दे रहे, तो अच्छा वो भी चैंपियन होते हैं, वो क्या इतनी पर्चे देख चुके होते हैं, इतनी दवाएं दे चुके होते हैं कि उन्हें मालूम होता है कि डॉक्टर साहब क्या लिखेंगे। और एक बात बताऊँ आपको, अमूमन तौर पर 90% वो करेक्ट भी होते हैं, तारीफ की बात तो ये है। इसलिए डॉक्टर्स जो हैं उनकी जो नॉर्मल डिस्पेंसरी लगाते हैं डॉक्टर या हॉस्पिटल्स में भी जो है, कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है तो ही लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अदरवाइज छोटी मोटी के लिए ये मेडिकल स्टोर वाले जो हैं ये चैंपियन, एक्चुअल में एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन आपको तो ऐसा लगता है ना कि एक वो मेडिकल स्टोर होता जो है ना चौराहे पे, वहाँ चले जाओ अगर वो जवाब देता है तो वो बीमारी सही हो जाती है। एक्सपर्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम को कॉपी कर लिया उनने। अच्छा, डॉक्टर साहब के पास डेटाबेस है दवाइयों का जो कि अपडेट होता रहता है, MR आते हैं अपनी दवाइयाँ प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डॉक्टर साहब अपडेटेड रहते हैं, तो मेडिकल स्टोर वाला भी अपडेटेड है, उसको भी मालूम है कि नई दवा कौन सी है या ये दवा बंद हो चुकी है, इसका रिप्लेसमेंट कौन सा आ गया। कहने का मतलब क्या है मेरा, ये जब इतनी लंबी फालतू की कहानी नहीं सुना रहा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ह्यूमन ब्रेन जो एक्सपर्ट सिस्टम की तरह बिहेव करता है वो कैसे करता है।
वो बेसिकली क्या करता है कि जो ह्यूमंस की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डेली लाइफ में उनको अचीवेबल प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए जाता। मतलब एक्सपर्ट सिस्टम, एक डॉक्टर का अगर मैं बनाऊंगा तो मेडिसिन लाइन का होना चाहिए वो, उसको नॉलेज होनी चाहिए काय काय की, इस वाले डोमेन की भी और इस वाले डोमेन की भी, मतलब दवाइयों की भी और बीमारी की भी, और कौन सी दवा कितनी देनी है इसके बारे में भी उनको क्वांटिटाइजेशन पता होना चाहिए। कि चलो उन्होंने बीमारी का नाम नाम पता कर लिया, उसकी दवा पता कर ली, बोल दिया आपने 500 mg खा लो, आपने 500 mg खाई तो और हालत बुरी हो गई, ये दवा ने रिएक्शन कर दिया। तो वो चीज़ भी देखनी पड़ती है कि छोटे बच्चों के लिए वो दवा जो है उसकी क्या मात्रा रखनी है, और एडल्ट के लिए क्या मात्रा रखनी है, और जो बुजुर्ग हैं सीनियर सिटीजन है उनके लिए क्या उसकी मात्रा रखनी है। और पहले तो ये मात्रा हुई, दूसरा आपको बुखार अगर आया है फॉर एग्जाम्पल तो कितना तेज आया है, अगर ज्यादा तेज आएगा तो आप mg बढ़ा देगा, अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भी है तो वो ज्यादा हाई पावर की दवा आपको नहीं देगा। ऐसा ना हो कि वही मिनिमम डिस्टर्बेंस प्रिंसिपल ना, जो सी चीज बिगड़ी है वो सही करो ना यार, ऐसी दवा मत दो तो पता चला कि पूरी किडनी है फेल हो गई, बीमारी की जगह और लेने के देने पड़ गए। तो ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम हम चाहेंगे भी नहीं। अब ये जो MBBS करा जिन डॉक्टर साहब ने, इन्होंने पढ़ाई करी बड़ी जी तोड़, इन्होंने MD करा, फिर प्रैक्टिस करी, इन्होंने कई सारे एग्जाम्स निकाले, कई सारे बॉडीज को एनाटॉमी उनकी सीखी, और कई सारे पेशेंट्स को भी मतलब इन्हें शिफा पहुंचाई और उसको आसानी पहुंचाई। कहने का मतलब ये कि हमेशा एक्सपर्ट सिस्टम के जो दो मेजर पार्ट होते हैं ना, पहला होता है नॉलेज बेस, नॉलेज बेस, और दूसरा होता है इन्फ्रेंस इंजन। क्या होता है? इन्फ्रेंस इंजन, नॉलेज बेस जिसके अंदर वो सारा ज्ञान लिखा हुआ है दवाइयों का, बीमारियों का और XYZ का, और MR जो नए नए आके उसको अपडेट करते हैं तो नॉलेज बेस अपडेशन होता है। और इन्फ्रेंसिंग, इन्फ्रेंसिंग वो टेक्निक होती है जिसमें डॉक्टर क्या करता है कि इन्फर करता है कि भाई बी और सी अगर आपको मर्ज हुआ है तो उसके लिए कौन सी दवा आपके लिए फिजिबल रहेगी, इन्फर करेगा आपको, मतलब आपके लिए, आपके लिए डिसीजन बना के देगा। अब ये जो दोनों चीजें होती है, नॉलेज बेस और आपका इन्फ्रेंसिंग इंजन जो होता है, ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, मैं अगर एक बात करूँ कि नॉर्मल से एक्सपर्ट सिस्टम को लेता हूँ, उसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मैं उसको बनाना चाहूंगा। यहाँ पे एक एक्सपर्ट है और वो एक्सपर्ट जो है वो ज्ञान दे रहा है और ज्ञान ले रहा है। मैं ज्ञान को लिखता हूं नॉलेज एक्विजिशन, अगर मेरी स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो जाए तो मुझे कृपया करके माफ कर देना, नॉलेज एक्विजिशन सिस्टम, नॉलेज एक्विजिशन सब सिस्टम। उसके बाद आता है यूजर इंटरफेस। क्या आता है? यूजर इंटरफेस। अच्छा, यूजर जो है ना, यूजर तो क्या करता है, यूजर तो बोलता है डॉक्टर साहब हमें ये बीमारी हो रही है, डॉक्टर साहब हमें वो बीमारी हो रही है, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलता है, मतलब यहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लगेगी। डॉक्टर साहब को जिस भी भाषा में वो बात करे, अगर डॉक्टर साहब को समझ में आ रही है तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन निकालेंगे। जैसे मैं हूँ, मैं जाऊँ डॉक्टर साहब वो कमर में तकलीफ हो रही है, ये डॉक्टर साहब मुझे बुखार आ रहा है, तो बुखार आ रहा है बोलूं, या मैं ऐसा बोलूं कि डॉक्टर साहब वो मेरा बॉडी जो है गर्म हो रही है एकदम से, आप जरा चेक कर लीजिए, तो डॉक्टर साहब बता देंगे कि भाई तुम्हें बुखार आ रहा है। बुखार एक क्या है, उसका एक प्रॉपर नेम है उस मरस का, लेकिन तुमने क्या बताया, तुमने जाके सिम्टम्स बताए। तो ये क्या होता है, एक्सप्लेनेशन से क्या निकल आता है, एक्सप्लेनेशन से एक्चुअल में जो ए है यहाँ तक पहुंच पाते हो। जो एंड यूजर है ना, जो मरीज है, वो बेचारा तो ऐसा कुछ बताता है, वो तो ऐसा कुछ हर कुछ बता रहा है, इसको डॉक्टर समझ के बता देता है कि हाँ ये ए नाम की बीमारी है जिसकी दवा वन है। तो ये एक्सप्लेनेशन सब सिस्टम है, एक्सप्लेनेशन सब सिस्टम। अब ये जो एक्सप्लेनेशन सब सिस्टम है, ये कनेक्टेड होता है काय से, इन्फ्रेंस इंजन से, जो कि दूसरा सबसे जरूरी पार्ट है, इन्फ्रेंस इंजन। इन्फ्लुएंसिंग करोगे ना, इसी से तो करोगे। ये इन्फ्लुएंसिंग इंजन जो होता है वो कनेक्टेड होता है यहाँ पे बेस से। वो बेस का मतलब ये है, हमारा एयर बेस क्या है, नॉलेज बेस। ये क्या है, नॉलेज बेस। और ये नॉलेज बेस के अंदर फैक्ट्स होंगे, ह्यूरिस्टिक्स होंगे, आप जानते हो कि नॉलेज के अंदर एक चीज नहीं होती, और अभी तो हमने ये भी नहीं बताया कि नॉलेज कितने
जो आपको बताया कि नॉलेज हेरिस्टिक्स, नॉलेज कितने तरह की होती है ये तो बता दिया, लेकिन इसमें फेदर स्ट्रक्चर जो है वो दूसरे आप वीडियोस में देख चुके होंगे, वो हम देखेंगे इसमें अभी कि वो कैसे इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ये दोनों जो होंगे वो आपस में कनेक्टेड होंगे, ये एक सिंपल से स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब और भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और यहाँ पे एक्चुअल में एक नॉलेज इंजीनियर होता है जो कि इन सबको मैनेज करता है, नॉलेज इंजीनियर, नॉलेज इंजीनियर, नॉलेज इंजीनियर इन्फ्रेंसिंग को और नॉलेज बेस को अपडेटेड रखता है। देखो ना, कोरोना जब आया था तब नॉलेज इंजीनियर ने सोचा कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में हम समझ गए कि यहाँ पे किस तरह से इन्फ्रेंसिंग करनी है। इवन आज की डेट में भी अगर किसी को बुखार आया था तो डॉक्टर सबसे पहले कोरोना टेस्ट का बोलता है, क्योंकि उनके नॉलेज बेस के अंदर ये चीज थी नहीं, ये चीज ऐड हुई है। ये चीज जब ऐड हुई है तो अब हम बुखार के लिए नॉर्मल दवा जब लेने भी जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोरोना टेस्ट करा लीजिए, कोविड का टेस्ट कराएंगे और रिपोर्ट अगर सही आ जाती है तो फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि चलो यार अब इनको हम दवा देते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर आपने कोविड का टेस्ट कराया और आपकी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आई तो फिर दवाइयों का जो ब्रांड होता है वो भी चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, खैर इलाज भी महंगा हो जाएगा फिर। लेकिन हाँ, अब हमने वैक्सीन लगा ली है तो शायद अब इतनी खतरा नहीं है, लेकिन तब भी हमने बहुत से लोग गवा दिए इसके अंदर यही फाइंड आउट करने में कि एक्चुअल में हम दें क्या इसको, बीमारी को इलाज क्या दें, रेमडेसिविर दें या एजिथ्रोमाइसिन, क्या दें क्या हम इसमें, कौन सी दवा दें। ये इन्फ्लुएंसिंग करने में हमारे कई सारे नुकसान हो चुके हैं, लेकिन अब फिलहाल जो एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो इसको पूरा बना चुके हैं और इसके लिए शायद मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट सिस्टम फेल नहीं होता, एक्सपर्ट सिस्टम फेल भी होता है, डॉक्टर्स आज से थोड़ी हजारों साल से चल रहे हैं, लेकिन कोई एक नई बीमारी आई या प्लेग आया या किसी भी तरह की ऐसी महामारी आई, डॉक्टर समझ ही नहीं पाते उसको ट्रीटमेंट करना क्या है। वो जो ट्रीटमेंट जो समझ नहीं पा रहे ना, बेसिकली वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे, उनके नॉलेज बेस में नहीं था ना ये बीमारी कहाँ से चली, कहाँ पहुंची, नहीं था उनके नॉलेज बेस में। हाँ, अब लेकिन नॉलेज बेस में आ गया है तो अब उन्होंने क्या करा, सबका टीकाकरण कर दिया और समझ गया कि होने के बाद थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाती है, बॉडी रिकवर नहीं करती, अदरवाइज एक काम करो आप तो इम्यूनिटी बढ़ा लो, और कोई रास्ता नहीं है। तो ये हमारे यहाँ के लोगों ने फाइंडिंग्स निकाली जो उसके लिए हमें इंजेक्शन लगना चालू हो गया। खैर, ये तो एक पार्ट था, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था किसका, एक्सपर्ट सिस्टम का। तो अब हम देखेंगे कि एक्सपर्ट सिस्टम की बनाने में जो लाइफ साइकिल का इस्तेमाल होता है वो कि किस तरह से एक एक्सपर्ट सिस्टम को तैयार किया जाता है। एक्सपर्ट सिस्टम में यकीनी बात यह है कि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने एग्जाम्पल अभी लिया था कि एक डॉक्टर जो होगा वो डॉक्टर सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ नॉलेज बेस है और इन्फ्लुएंसिंग है, उसका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। कई सारे ऐसे सीनियर डॉक्टर्स होते हैं जहाँ पे लोग जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उनके पास ज़्यादा अच्छा इलाज हो जाता है, उनकी दवाइयाँ रिएक्ट नहीं करती हैं। बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि जो कम एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं वो केसेस को बिगाड़ देते हैं। तो हम कभी भी ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम नहीं बनाना चाहेंगे जो कि किसी की जान ले ले और किसी को नुकसान पहुँचा दे। कोई ऐसे जैसे मान लीजिए मैंने अगर कोई एक्सपर्ट सिस्टम बनाया जो कि वाकई में किसी बीमारियों का इलाज करता है तो वो प्रॉपर एनालाइज करके दवाइयाँ लिखे और दवाइयाँ कुछ ऐसा लिखे जो कि ज़्यादा अच्छी हों और लेटेस्ट हों और उससे एक्शन हो रिएक्शन ना हो। तो इस टाइप के एक्सपर्ट सिस्टम को हम तैयार करने की कोशिश कर देंगे। और सबसे ज़रूरी जो है वो एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर जो तैयार करने में वो तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है यूज़र, दूसरा होता है एक्सपर्ट, और आखिरी होता है जो पैरामीटर वो होता है नॉलेज इंजीनियर, नॉलेज इंजीनियर। ये तीन जो होते हैं, ये तीन मुख्य तौर पे रोल्स होते हैं, ये तीन तरह के लोग होते हैं जो कि एक्सपर्ट सिस्टम को तैयार करते हैं। भाई यूजर तो इसलिए क्योंकि यूजर के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है, और यूजर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। तो एक्सपर्ट आप अगर जो भी एक्सपर्ट होगा वो क्या करेगा, उसको नॉलेज इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे तीन तरह के व्यक्ति हैं, एक वो जिसको प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम को लेके आएगा, एक वो जिसके पास वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा आपका एक्सपर्ट, और एक नॉलेज इंजीनियर जो कि प्रेडिकेट लॉजिक और उसके अंदर जितने भी प्रेडिकेट्स होंगे या जितने भी नॉलेज होगी उनको ट्रांसफर करेगा, उनको देने की कोशिश करेगा। मतलब ये हुए पेशेंट, ये हुए डॉक्टर साहब, और ये हुए MR या जो भी MBBS में उन्होंने बुक्स इस्तेमाल करी थी जिससे आपको पता लगा कि भाई ह्यूमन एनाटॉमी कैसी होती है और कौन सी
कौन सी आपकी ऑर्गन कैसे रिएक्ट करती है, उसके लिए अगर वो किसी ऐसे ऐसे तरीकों में फंस जाए तो उसके लिए क्या 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 इलाज है, ये सारा का सारा इलाज विलाज वाला जो भी आइटम है ना, ये पूरे का पूरा जो उसका MBBS और MD का सिलेबस है उसके अंदर जो पढ़ा, जो इंटर्नशिप में सीखा, जो प्रैक्टिस में सीखा, वो सब नॉलेज इंजीनियर के पास, मतलब एक्चुअली नॉलेज इंजीनियर के पास रहेगा जो कि एक्सपर्ट इस्तेमाल करेगा। ये वाकई में तीन अलग अलग तरह की एंटिटीज मैंने बना दी। अब सबसे पहला स्टेप जो कहलाता है वो कहलाता है इसके अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। पहला स्टेप क्या कहलाता है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आपको पता तो हो आप करने क्या वाले हो, आइडेंटिफिकेशन। ये है आपका स्टेज वन। स्टेज वन जो है उसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या होता है, एक्चुअल में उसके अंदर भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम के, उसकी आप स्टडी करो कि प्रॉब्लम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दूसरा उसकी स्कोप की और उसके एक्सटेंड करने की, जो प्रॉब्लम की जो भी स्कोप होगा और जो उसको एक्सटेंड करने में काम आएगा वो आपको पता होना चाहिए। मतलब प्रॉब्लम को ऐसा नहीं कि अगले ने प्रॉब्लम बोली तो आपने सिर्फ उसको प्रॉब्लम मान लिया, उसका इन डेप्थ एनालिसिस। दूसरा कि वो जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए रिसोर्सेस कितना लगेगा, अमाउंट जो कि उसके रिसोर्सेस में लगने वाला है, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। उसके बाद जो ROI है वो होना चाहिए उसका। ROI मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो उसका वापसी में आपको क्या मिलेगा। जैसे मैं अगर कोई एक सही में डॉक्टर का एक्सपर्ट सिस्टम बनाऊं तो मैं ये कहूंगा कि भाई तुम्हें आना है, सबसे पहले QR कोड स्कैन करना है, पैसे भरना है, उसके बाद में तुम्हें इलाज कर। डॉक्टर साहब भी यही करते हैं। आप किसी डॉक्टर के जाइए डिस्पेंसरी में तो आपको कोई डॉक्टर आपको डायरेक्ट मिल नहीं जाएगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल बनवानी पड़ेगी, उसमें वो फीस लेंगे आपसे, रजिस्ट्रेशन चार्ज लेंगे, ठीक है। उसमें लिखा होगा कि भाई नेक्स्ट टाइम आओगे तो इतने पैसे कम मिल जाए, कम लगेंगे। और मेरे ख्याल से ऐसे ही होता है सब जगह, ही वैसे होता है, क्योंकि अगर घोड़ा घास खाएगा तो दोस्ती किससे करेगा। मैंने उल्टा बोल दिया, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ही है कि आपको ROI एनालिसिस भी होना चाहिए और वो इसी स्टेज में होता है, और इसके लिए ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनकी जरूरत पड़ती है, ये सारे के सारे एकजुट होकर इसके अंदर हेल्प करते हैं। अब ROI के बाद ये है कि आपको प्रॉब्लम का एरिया आइडेंटिफाई करना चाहिए। मैं अगेन वही, मैं दिमाग में मेरे भी वही चल रहा है कि डॉक्टर का वो चल रहा है एग्जाम्पल, लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ये जनरल टर्म है, ये जनरल स्टेटमेंट है। मतलब आप एक्सपर्ट सिस्टम बनाना चाहते हैं कि कोई मैकेनिक का एक्सपर्ट सिस्टम बनाना चाहते हैं कि आपकी गाड़ी वहां जाए और मैकेनिक के रोबोट आर्म जो है उस गाड़ी को एनालाइज करे और उसके अंदर ब्लॉक पिस्टन चेंज होना है तो कर दें, या उसकी सीट चेंज होना है तो कर दें, या उसके टैंक के अंदर अगर कचरा है तो टैंक खोल के कचरे को साफ कर दें, जो हमारे मैकेनिक करते हैं। और ये भी तो देखें कि वो चल रही है तो उसके अंदर गाड़ी अगर जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैकेनिक होते हैं ना कि एक राउंड लगा के आते हैं और समझ जाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पुर्जा चेंज होगा, वैसे ही हमारा एक्सपर्ट सिस्टम भी एक बार उस गाड़ी को चला के देखेगा और चला के देखने के बाद ये सारी चीजें करेगा। तो ये जो अल्टीमेटली प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है ना, ये मेरे लिए हमेशा से एक वो रहा है कि हमेशा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन को मैं नंबर वन पोजिशन पे रखता हूँ, और नंबर वन पे होना भी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई सारी बातें ये बता चुकी होती है यूजर को। जैसे यहाँ पे क्या बता दिया, यहाँ पे प्रॉब्लम जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरे नंबर पे क्या बताया, उसका स्कोप, उसका क्या बताया, स्कोप, और उसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं, स्कोप एंड एक्सटेंट। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या बताया कि क्या क्या रिसोर्सेस लगेंगे, रिसोर्सेस। उसके बाद क्या बताया कि इसकी ROI क्या है। आप देखिए एक पहली स्टेज में खड़े हो अभी आप, और उसके बाद क्या है, आप इसका एरिया आइडेंटिफाई करोगे कि क्या एरिया पे काम कर रहे हैं हम। ये इतना काम स्टेज वन में होता है। एक बार यदि ये काम हो जाता है तो हम आगे बढ़ते हैं और अगली स्टेज पे जाते हैं, और उस स्टेज का नाम है स्टेज नंबर टू। स्टेज नंबर टू क्या करती है, ये डिसाइड करती है कि आपका डेवलपमेंट डिसाइड करती है। क्या डिसाइड करती है, डेवलपमेंट। अब आपने सारा ज्ञान जो था वो तो ले लिया स्टेज नंबर वन में, लेकिन अब आप मुझे बताइए ये जो डेवलपमेंट है, मतलब ये कि यहाँ पे आप डेवलप करोगे चीजों को, तो डेवलप करने के लिए आपको क्या यूज करना है। सबसे पहले तो कि आपका दो चीजें इस्तेमाल होती हैं, तो कौन सी लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज
या फिर टूल कौन सा इस्तेमाल करोगे भाई। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, अब आपको साधो सामान इकट्ठे करने, वेपन से इकट्ठे करने ना, तो यहाँ पे डेवलपमेंट के अंदर एक और चीज आएगी कि टूल्स कौन सा इस्तेमाल करोगे और उस टूल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। तो लिखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टूल्स, उस टूल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। उसके बाद जब इतना काम अगर हमारा हो जाएगा तो हम जाएंगे कहाँ पे, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट पे, कि आप उसका एक मिनिएचर प्रोटोटाइप बनाइए। ये हम एक्सपर्ट सिस्टम तैयार कर रहे हैं प्रॉपरली, ये आता है स्टेज नंबर 3 में, ये काय में आता है स्टेज नंबर 3 में। ये क्या है, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। अगर आपको समझ में नहीं आया प्रोटोटाइप, तो मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ कि कोई भी बड़ी वाली बिल्डिंग या कोई बड़ा मॉल बनता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका एक मिनिएचर बताते हैं। उसका एक मिनिएचर बनाने के बाद मार्केट में जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। या कोई कॉलोनी अगर कटती है तो उसके अंदर क्या कैसे डेवलपमेंट होगा, तो आप उसके सिटी ऑफिस में जब जाएंगे तो बाकायदा वो कॉलोनी का पूरा लेआउट लेके बैठे होते हैं, पूरा एक मॉडल लेके बैठे होते हैं। ऐसे ही प्रोटोटाइप कहते हैं कि यहाँ पे आपको अपना डेवलपमेंट का प्रोटोटाइप रखना पड़ेगा, आपका एक्सपर्ट सिस्टम कैसा दिखेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो सारी बातें इस प्रोटोटाइप के अंदर मेंशन होंगी। तो प्रोटोटाइप के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटोटाइप के अंदर क्या होता है कि इसकी नीड क्या है। मैं एक और लेता हूं यहां पर सिंबल, इसकी नीड क्या है, ठीक है, ये जो कंसेप्ट है इसके सॉल्यूशन की नीड क्या है, नीडेड फॉर द सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे उसका इसमें जो भी कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हैं वो उसका अवेलेबिलिटी चेक करेगा और सॉल्यूशन की नीड देखेगा। उसके बाद आता है दूसरी चीज आती है कि आपने जो नॉलेज एक्विजिशन लिया है उसके टास्क देखेगा कि कौन से टास्क यूज करें आपने, ठीक है, क्योंकि प्रोटोटाइप तो बन गया ना यहाँ पे आके। उसके बाद नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की कौन सी मेथड इस्तेमाल करेगा, तो मेथड, मेथड फॉर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद ये देखेगा कि टेस्टिंग का सिस्टम, आप इसकी टेस्टिंग कैसे करोगे सिस्टम की। भाई देखो मैं तो नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं अगर बैठा वहां पे टेस्टिंग करने और उसने मुझे गलत दवा दे दी तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं जान करके उसको एक ऐसी बीमारी बताऊंगा जो कि जिसका इलाज भी मुझे पता हो, और देखता हूँ कि वो जवाब क्या देता है। या फिर मैं अपने गाड़ी के अंदर पेट्रोल पूरा निकाल दूंगा, उसके बाद मैं मैकेनिक वाले एक्सपर्ट सिस्टम को दूंगा, कहूँगा देखा जरा इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे मालूम है कि इसके अंदर पेट्रोल नहीं है, तो वो पूरी चेक करेगा गाड़ी, तो बोल देगा कि इसमें पेट्रोल नहीं है अभी, इसलिए मतलब यही है इसकी प्रॉब्लम, आप पेट्रोल डाल लीजिए चलने लगेगी। तो ये होता है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। उसके बाद जो अगला आता है वो आता है प्लान फॉर फुल स्केल सिस्टम, स्टेज नंबर 4 पे आता है। क्या स्टेज नंबर 4 क्या आता है, प्लान फॉर फुल स्केल सिस्टम, प्लान फॉर फुल स्केल सिस्टम। अब देखिए प्लान फॉर फुल स्केल सिस्टम जो है इसके अंदर क्या होता है कि आपको अब जो सिस्टम आपने तैयार करा, प्रोटोटाइप तैयार करा, उसके लिए उसके अक्रॉस आपको पूरा का पूरा फुल स्केल पे लेके जाना पड़ेगा उस सिस्टम को। और जब फुल स्केल पे आप लेके जाएंगे तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और कुछ बातें जो यहाँ पे हो जाती हैं तो मैं उसको यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ उसको, वहाँ पे शायद 3 पॉइंट हो गए थे मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे इसका चौथा पॉइंट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मल्टीपल एक्सपर्ट सिस्टम जो है अगर उनके बीच में इंटरेक्शन करना हुआ तो वो आपको तय करना पड़ेगा, मल्टीपल एक्सपर्ट सिस्टम, मल्टीपल एक्सपर्ट सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन, मतलब इंटरेक्शन बिटवीन द टू मल्टीपल एक्सपर्ट्स, ठीक है। देखना होता है कभी कभी डॉक्टर जो होते हैं एक दूसरे से फोन पर बात करके रेफर करते हैं, इवन मैकेनिक भी अगर कहीं काम कर रहा है और वो किसी जगह फंस जाता है तो दूसरे मैकेनिक को फोन लाके पूछते हैं इस गाड़ी में ऐसा ऐसा हो रहा है मैं क्या करूँ, मतलब अपने बड़े उस्ताद से बात करता है। तो यहाँ पे भी एक्सपर्ट सिस्टम को हम ये लिवरेज देंगे कि एक एक्सपर्ट सिस्टम दूसरे किसी एक्सपर्ट सिस्टम से बात कर सके, और अगर इन्फ्रेंसिंग वो खुद ना कर पा रहा हो तो उस एक्सपर्ट सिस्टम से इन्फ्रेंसिंग करवा के वो सॉल्यूशन तक जाए। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये बात सही है कि यहाँ पे हैवी प्लानिंग की जरूरत होती है, हैवी प्लानिंग। आप कहोगे साहब प्लानिंग तो आप पहले ही कर चुके हो इनिशियल स्टेज पर, लेकिन ये प्लानिंग वो प्लानिंग नहीं है, ये प्लानिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लानिंग।
ये प्लानिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐसी है कि एआई की प्लानिंग के अंदर ऑलरेडी उसे पता होता है कि आगे क्या होने वाला है और गोल तक है। याद है आपको आपने पढ़ी थी हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम भी पढ़ी थी, और बहुत सारे एल्गोरिथम आपने इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचे थे। इनिशियल स्टेट से जब गोल स्टेट तक पहुंचे थे ना, तो उसमें भी प्लानिंग करी थी। आपको मालूम था कि आप इनिशियल स्टेट पे हो और क्या क्या कंस्ट्रेंट यूज करके आप फाइनल स्टेट तक पहुंच जाओगे। तो जब आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने का रोड मैप अपने दिमाग में छाप लेते हो, दैट इज व्हाट वी कॉल प्लानिंग। और हमारा एक्सपर्ट सिस्टम भी प्लानिंग करता है। हमारा प्लानिंग जो करता है वो थोड़े से लेवल उसका अच्छा होता है, इसलिए उन्होंने लिखा हैवी प्लानिंग। अब दूसरा क्या है, अगला जो आता है वो आता है इम्प्लीमेंटेशन स्कीम। जो आपकी स्कीम होनी चाहिए ना इम्प्लीमेंटेशन की, वो बहुत तगड़ी होनी चाहिए। अगर इम्प्लीमेंटेशन स्कीम अच्छी है तो मेरे ख्याल से उस प्रोटोटाइप का डिप्लॉयमेंट पूरा हो जाएगा। और फुल स्टैक फुल स्केल पे आप डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि भाई ये प्रोडक्ट तकरीबन तैयार हो चुका है। कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जैसा दिख रहा है, और लाइफ साइकिल तो सबकी ऐसी होती है ना भाई, सीधी सी बात है, बचपना, फिर किशोरावस्था, फिर जवानी, बुढ़ापा, मौत। तो वही लाइफ साइकिल अगर मैं बात करूँ तो ये लाइफ साइकिल इसकी है कि आप एक्सपर्ट सिस्टम बनाओगे तो उसकी लाइफ साइकिल क्या होनी चाहिए। और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये जान करके मैं इसलिए अलग अलग पॉइंट्स में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि हर चीज़ का अलग महत्व है। उसके बाद आखिरी जो आता है वो आता है जो आपने इम्प्लीमेंट किया उसका मेंटेनेंस और उसका इवैल्यूएशन। लास्ट स्टेज जो होता है वो होता है मेंटेनेंस एंड इवैल्यूएशन। क्षमा करता हूं, मैं डॉक्टर का एग्जांपल देते देते मेरी राइटिंग भी डॉक्टर जैसी हो गई है, लेकिन मैं बोलता जा रहा हूं तो आप शायद समझ में आएंगे। मेंटेनेंस एंड इवैल्यूएशन। अब मेंटेनेंस एंड इवैल्यूएशन के अंदर क्या है कि आपने पूरा सिस्टम फुली फ्लेजेडली तैयार कर लिया। अब इस सिस्टम को, इस एक्सपर्ट सिस्टम को रखोगे कहाँ? वो जब रखोगे तो उसमें जो भी आप यूज करोगे, इसको जब यूज करोगे तो उसमें इनपुट कैसे दोगे? मतलब आपको हर तरह का वैल्यूएशन लेते हुए चलना है। सिक्योरिटी कौन है? ऐसा नहीं कोई सर पे लेके भाग जाए इसको सिस्टम को, ठीक है, और आपने साथ यूज करने लगे तो आपकी पूरी नॉलेज वॉलेज जो आपने कंप्यूटर के अंदर डाली, एक सिस्टम के अंदर डाली, वो सारी की सारी चोरी चली गई। तो कुल मिला के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे पेश करना चाहूंगा, और वो पॉइंट्स मैं ऐसे पेश करता हूँ। जीरो से अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना वर्ड पे टाइप कर रहे हैं, बुलेट स्टाइल चेंज कर करके। तो सबसे पहला मेंटेनेंस के अंदर आता है कि रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ साइट फुलफिल्ड, मतलब जो भी आपकी एंड साइट होगी जहां पे होगी उसके रिसोर्सेज फुलफिल होने चाहिए। जो जहां पे भी आप एक्सपर्ट सिस्टम रखोगे, सड़क पर रख के तो बैठ नहीं जाओगे, तो जहां पे भी आप रखोगे उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि उसको बिजली चाहिए होगी, वहां पे इन्वर्टर चाहिए होगा यहाँ पे, या जो भी आप जो भी जैसे मान लीजिए मैकेनिक वाला अगर आपने बनाया तो उसके पास तो उसको बेचारे को पेट्रोल भी रखना पड़ेगा साथ में, क्योंकि कोई गाड़ियां खाली पड़ी हैं तो वही थोड़ी टैंक में पेट्रोल डाल के थोड़ा चेक भी कर ले, कुछ ऑयल रखना चाहिए। मतलब ये वही चीजें हैं जो कि मैकेनिक की दुकान पर रखी रहती हैं रिसोर्सेस, इवन डॉक्टर की दुकान पर भी रखी रहती हैं। डॉक्टर की दुकान पर क्या रखा रहता है? डॉक्टर की डिस्पेंसरी में रहता है स्टेथोस्कोप, ठीक है, अगर वो बीपी पे चेक करने की मशीन, और बहुत सारे बड़े डॉक्टर्स जो होते हैं उनके पास तो वो जो सीआरटी मॉनिटर में डिस्प्ले दिखता है ना वो तक रहता है। तो ये सारे रिसोर्सेज जो होते हैं हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास होते हैं, तो आपको भी ऐसा सेटअप जमाना पड़ेगा क्योंकि फाइनल डिप्लॉयमेंट कर रहे हो आप। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कि पैरेलल कन्वर्जन एंड टेस्टिंग। पैरेलल कन्वर्जन एंड टेस्टिंग मतलब ये कि आप साथ ही साथ जैसे ही उस बंदे से बात कर रहा है एक्सपर्ट सिस्टम, तो उसी के टाइम पे जैसे डॉक्टर साहब हाथ पकड़ के बात करते रहते हैं ना, तो एक तरफ उनकी टेस्टिंग भी चल रही होती है और एक तरफ उनका कन्वर्सेशन भी चल रहा होता है बंदे से। तो यहाँ पे है कि पैरेलल कन्वर्जन एंड टेस्टिंग। उसके बाद अगला पॉइंट आता है मेंटेनेंस ऑफ नॉलेज बेस। अब नॉलेज बेस आपने बना दिया और हिस्टोरिक डाटा डाल दिया उसके अंदर, तो जाहिर सी बात है उसका मेंटेनेंस भी जरूरी है। मैं लिखता हूं यहां पे मेंटेनेंस ऑफ नॉलेज बेस। केबी को ज्यादातर मैं नॉलेज बेस की तरह ही रिप्रेजेंट करता हूं, और एक्चुअल में यहां पे जो मैंने केआर यूज करा था वो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए था, तो मैं नॉलेज थोड़ा लिखने में आलसी हूं इसलिए आप समझ जाएंगे। और आखिरी पॉइंट उस सिस्टम की सिक्योरिटी। ऐसा ना हो कि आपके एक्सपर्ट सिस्टम में कोई ऐसी छेड़ करके चला गया या ऐसे कोई वायरस या ज़ॉम्बी या वॉर्म या ट्रोजन हॉर्स डाल दिया कि वो पता चला बीमारी जो है कुछ और थी और दवा कुछ और दे दी, तो वो तो आपके एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो तो बंदे ही मार देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर। तो ये उसकी पूरी लाइफ साइकिल होती है, ये उसका पूरा फेनोमेना होता है कि कैसे हम एक यूजर के लिए, एक एक्सपर्ट और नॉलेज इंजीनियर की मदद से
हम ये सारे काम करते हैं और स्टेज नंबर 5 तक पहुंचते हैं और एक्सपर्ट सिस्टम को तैयार करते हैं। अब इसके कुछ वेरिएशन है एक्सपर्ट सिस्टम के, हमारे जो सिलेबस में जो है वो हम अभी देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि डेंड्राइट कैसे काम करता है, इसके अंदर एक्सकॉन कैसे काम करता है। ये कुछ एक्सपर्ट सिस्टम है जो बहुत फेमस है, माइसिन हुआ, ठीक है, डेंड्रल, माइसिन, एक्सकॉन, और मतलब इस तरह के जो एक्सपर्ट सिस्टम है कुछ, इनके बारे में अभी हम जिक्र करेंगे अपने अगले वीडियोस के अंदर, जो कि आपके सिलेबस में मौजूद है और आपको पढ़ना भी चाहिए, और ये बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े अच्छे एक्सपर्ट सिस्टम है। तो प्रोस्पेक्टर, एक्सकॉन R1, डेंड्रल और माइसिन, ये चार एक्सपर्ट सिस्टम है आपके सिलेबस का हिस्सा है, जो कि हम अभी एक एक करके वीडियोज में देखते चलेंगे। थैंक यू सो मच।